नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित कविता लीक पर वे चले, पाठ का प्रसंग सहित सरलार्थ। शुरू करने से पहले अगर आपने इस कविता का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस कविता के सारांश को समझ लेते हैं। यह कविता जीवन में कुछ नया करने की और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में बने बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि कर्मवीर अपना रास्ता स्वयं बनाता है, हारे और दुर्बल व्यक्ति ही परंपरागत रास्तों पर चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अपनी संकल्प शक्ति के सहारे हम अपना रास्ता बनाकर स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। नया रास्ता बनाकर नई नई खोजें करके हम संसार के लिए कुछ नया कर सकते हैं। पहला पद्यांश, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। अपना पथ स्वयं खोजने की बात इस पद्यांश में कही गई है। इसका सरलार्थ इस प्रकार है, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि जिनके इरादे कमजोर होते हैं, जो दुर्बल और हारे हुए हैं, वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं। हमें तो अपने द्वारा बनाए गए नए रास्ते ही बहुत अच्छे लगते हैं। रास्ते में पीले बांस के झुरमुट हवा से हिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हवा गीत गा रही है और हमारे सपनों के सच होने की राह दिखा रही है। दूसरा पद्यांश, शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक अलहड़ हवा। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। सरलार्थ, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि रास्ते में सीना ताने खड़े आम के बाग और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश को थामे खड़े हो। उनके पत्ते या शीर्ष के हिलने से ऐसा लगता है जैसे क्षितिज में
झालरें लटक रही हैं। इनकी झूमती हुई डालों पर बैठी हुई खिलखिलाती हुई चंचल मस्त हवा फलों को हिला रही है। तीसरा पद्यांश, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठ माला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। जीवन में प्रकृति के सभी उपादानों को अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा है। सरलाग, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में बादल गायक मंडली की तरह थिरक रहे हैं, रास्ते में मिलने वाले टीले ऐसे लगते हैं जैसे वे बड़ा सा बाजा हो, सूखे हुए तालाब में स्थित एक अंजलि जल जो फिर से नदी बनने का इंतजार कर रही है, ये सभी साक्षी होकर हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। परंपरागत रास्ते पर तो कमजोर और हारे हुए इंसान चलते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में आशावादी होकर दृढ़ इच्छा के साथ कामयाबी की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कवि परिचय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। आप तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। आपकी शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। कुछ समय तक स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क भी रहे, परंतु दोनों ही पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ वर्ष तक आकाशवाणी में समाचार विभाग में काम करते रहे, बाद में दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक बने। यद्यपि आपका साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे आपके लेख खासे लोकप्रिय रहे। आपके साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी सम्मिलित हैं। आपकी साहित्यिक कृतियां इस प्रकार हैं: काव्य संग्रह, काठ की घाटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग आपके काव्य संग्रह हैं। उपन्यास, उड़े हुए रंग आपका उपन्यास है, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से आपने दो लघु उपन्यास लिखे। कहानी संकलन, अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में आपकी कहानियां संकलित हैं। नाटक, बकरी नामक आपका नाटक भी खासा लोकप्रिय रहा। बाल साहित्य, बालोपयोगी साहित्य में आपकी कृतियां भौं भौं, खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगू की टाई सम्मिलित है। पुरस्कार, 1983 में
आपको अपने कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। निधन 24 सितंबर 1983 को आपका निधन हो गया। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस पाठ की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।